नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. दुपारच्या बातम्यांची सुरुवात एका महत्त्वाच्या बातमीनं आपण करूया. हिजाब प्रकरणी आज कर्नाटक उच्च न्यायालयानं निकाल दिलेला आहे. हिजाब घालणं ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, हिजाब हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही, असं कर्नाटक उच्च न्यायालयानं निकाल देताना म्हटलंय. यासोबतच कर्नाटक उच्च न्यायालयानं शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबच्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या वेगवेगळ्या याचिकाही फेटाळून लावलेल्या आहेत. तर दुसरीकडे कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आपण आव्हान देणार असल्याचं MIMचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलेलं आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचा दावा सुद्धा ओवेसी यांनी केलेला आहे. यही मोदी सरकारने, आयरिश सरकारने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ की अपनी पोलिस में तो उसमें वेलकम किया, आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है. और संविधान का प्रियाम्बल जो है ना, प्रियाम्बल बड़ा इम्पोर्टेंट है. प्रियाम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो ये सब चीज़ें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए. हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं. हम हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें. और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर. अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने. तो ये चीज है. हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयात महत्वाची सुनावणी झाली. यावर MIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. हिजाब बंदीमुळे मुस्लिम मुली शिक्षणापासून दूर जातील असं मत इम्तियाज जलील यांनी व्यक्त केलं आहे. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला जगण्याचा आणि त्याच्या मतानुसार कपडे परिधान करण्याचा अधिकार असल्याचं सुद्धा जलील यांनी म्हटलंय. माझ्यासोबत MIMचे खासदार इम्तियाज जलील आहे. सर, या निर्णयाकडे तुम्ही सर्वप्रथम कसं बघता? देखिए, आज से कुछ साल पहले हम पैंट शर्ट पहना करते थे. आज कई ऐसे युवक हैं जो फटी हुई पैंट पहनते हैं और उसको फैशन समझते हैं और वो पहनने की इजाज़त है. वो लड़कियां भी पहनती है. आज सड़क के ऊपर आप कई सारी लड़कियों को देखेंगे जो शॉर्ट्स के ऊपर भी बाहर निकलती है. आज कई सारी लड़कियां हैं जो शलवार कुर्ता में निकलती है, चूड़ीदार पैजामे में निकलती है, साड़ियों में निकलती है. हर एक को इजाजत है क्योंकि ये किसी ने कभी रोका नहीं है इस देश के अंदर उसमें, क्योंकि ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से बाबा साहब ने वो राइट दिया था कि आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस रहेगी करके उसमें. अब अगर स्कूल के अंदर, किसी स्कूल के अंदर ये एक मुद्दा था तो वो स्कूल के हद तक था. कई सारे इस देश के अंदर स्कूल्स है, कई सारे कॉलेजेस है जहां पर इस बात का रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कई बच्चियों को अपने स्कूल्स में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब पहनने की इजाजत दी है. उसमें सिर्फ कर्नाटक का कि ये एक स्कूल के मुद्दा था, लेकिन जिसको एक पॉलिटिकल रंग, एक कम्युनल रंग और एक मीडिया ने इस तरह से प्रोजेक्ट किया मानो वो बच्चियां हिजाब नहीं पहन के आ रही है बल्कि स्कूल के अंदर कोई बम लेकर आ रही है, और इसके लिए देश को बहुत बड़ा घातक नुकसान हो सकता है करके. तो ये जो सोच थी वो स्कूल के हद तक मिटाया जा सकता था, लेकिन वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ऐसा लगा कि मतलब ये इसका हमको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे को ये भुनाना है कि देखो मुसलमान अपने राइट के हिसाब से कैसा है. तो इस देश के कानून को हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे. पण कोर्टाने असं सांगितलं की फक्त क्लासरूम मध्ये हिजाब घालू नये, बाहेर ज्याला जे घालायचं ते स्वतंत्र आहे. जिस कोर्ट ने ये कहा है, जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, उसी कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट भी है और उसी सुप्रीम कोर्ट के एक सुप्रीम जज थे जिसको हम बहुत आदर के साथ देखते हैं, पूरा देश बहुत मानता है, जस्टिस JS वर्मा साहब. जस्टिस JS वर्मा साहब ने ये एक स्टेटमेंट है उनका जो आज इस जजमेंट के साथ जोड़कर देखना चाहिए. उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल. इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत महान है
लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गलती नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये तो हाईकोर्ट है, चूक झाली थोड़ा चूक झाली असं वाटतं। हम तो मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं। और ये है देखिए, कोर्ट का आदर करना, जजमेंट्स का आदर करना, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, हम भी उसका आदर करेंगे। लेकिन उसी कोर्ट ने हमको भी ये राइट दिया है कि अगर तुम हमारे जजमेंट से समाधानी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो तुम हमारे ऊपर की कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। एमआईएम जाना, एमआईएम के जाने का नहीं है, देखिए ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। लेकिन हम हाँ यकीनन इसका हम पूरी तरह से समर्थन करेंगे। सुधीर जाधव सह सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, औरंगाबाद। अबू आझमींनी देखील कोर्टाचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलंय। कोण काय घालणार काय खाणार हे त्या त्या व्यक्तीवर अवलंबून आहे। शीख धर्मियांसाठी पगडी आणि तलवार त्यांच्या समाजात अनिवार्य आहे आणि त्यांना त्यासाठी कोणी थांबू शकत नाही। शीख व्यक्तीला तुम्ही पगडी काढायला सांगाल का असा सवाल सुद्धा अबू आझमी यांनी उपस्थित केलाय। स्कूल के युनिफॉर्म का पूरा आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है, क्या वो स्कूल में आए और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं, इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की भी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है। हिजाब प्रकरणातला निकाल हा निराशाजनक असल्याचं काँग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी यांनी म्हटलंय। याचिकाकर्त्यांना सुप्रीम कोर्टात जाण्याची विनंती करणार असून त्यासाठी मदत करायला देखील तयार असल्याचं झिशान सिद्दीकी यांनी सांगितलं। कर्नाटक कोर्ट ने जो फैसला लिया हिजाब को लेकर, इस वक्त हमारे से बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक जिशान जी है। जिशान जी, ये बताइए, जिस तरह से कर्नाटक कोर्ट में फैसला लिया गया हिजाब को लेकर, स्कूलों के नियम को पालने, इसका देखें आप। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये, मैं बहुत निराश हूँ, देश में सब लोग निराश है और मैं पिटिशनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरी कोई भी मदद लगेगी तो मैं पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तिरुण फर्नांडिस कहते हैं कि इसे धर्म की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि कल को मिलिट्री में भी कोई शामिल होकर कहेगा कि ये धर्म से राजनीतिक मुद्दा बीजेपी बनाती है। हम से हमारी बहनें पहनती आ रही है, मुसलमान हो या हिंदू बहन हो, अगर उसे कुछ पहनना है तो उसे पूरा फ्रीडम होना चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्कूलों में अगर इस तरह के लिबास पहने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल भी तो बनता है। स्कूल में अभी से नहीं, सालों से पहने जा रहे, तो अभी आपको दिक्कत अभी क्यों है? अगर एक लड़की को अपनी मॉडेस्टी के लिए पहनना है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी कोई भी मदद लगी मैं 100% मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुंबई से दिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तर हिजाब बाबत कोर्टाचा निर्णय योग्य असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेलं आहे। हिजाबच्या प्रश्नावर आमचं पहिलेपासून हे मत होतं की धार्मिक स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे, पण ते स्वातंत्र्यही इतर सगळ्या स्वातंत्र्याच्या अधीन राहून आहे, त्यामुळे शाळा कॉलेजेसमध्ये ड्रेस कोडच त्या ठिकाणी चालला पाहिजे। उद्या कोणी एखादा व्यक्ती मिलिटरीमध्ये असताना सांगेल की मला मिलिटरीचा ड्रेस चालत नाही कारण तो माझ्या धर्माच्या विरुद्ध आहे, असं चालू शकणार नाही। त्यामुळे अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी आलेला आहे आणि आमचं असं मत आहे, आता तरी हिजाबबद्दल कॉन्ट्रोवर्सी तयार करणाऱ्यांनी चूप बसावं आणि हा निर्णय मान्य करून कायद्याच्या प्रमाणे या ठिकाणी कारवाई करावी। कर्नाटक हायकोर्टानं दिलेला निर्णय योग्य असून शैक्षणिक ठिकाणी धर्म आणू नये असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी व्यक्त केलाय। मी या निर्णयाचं स्वागत करतो कारण आमचा कुठल्याही धर्माच्या त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये ढवळाढवळ करण्याचा स्वभाव नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी कुठल्या मस्जिदवर हल्ला नाही केला, जरी मुसलमानांनी हिंदूंच्या मंदिरावर केला। आणि त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचं हे जे म्हणणं आहे की तुम्हाला व्यक्तिगत तुमचा धर्म पाळायला परवानगी आहे, पब्लिक प्लेसेसला का आग्रह जाता? शाळा कॉलेजेसचे काही नियम असतात ते सगळ्यांनी पाळले पाहिजेत, हे आमचं म्हणणं होतं। सुप्रीम कोर्टाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं, त्याबद्दल मी सुप्रीम कोर्टाचा आभार मानतो। शिक्षण संस्था या धर्मविरहित आहेत, म्हणून तुम्ही कुठल्याही शिक्षण संस्थेमध्ये आपण धर्माचं शिक्षण देत नाही, लक्षात घ्या। त्यामुळे तिथं उगाच धर्माचे पडदे आडवे आणणं हे काही योग्य असं मला वाटत नाही आणि म्हणून जो आता निर्णय दिलाय त्याबद्दल आता त्यांना जर सुप्रीम कोर्टात जायचं ते सुप्रीम कोर्टात जातील, पण मला माझ्या माहितीप्रमाणे असं कुठेही कुरणामध्ये लिहिलेलं नाही आहे।
फक्त एक कुठेतरी मध्ये प्रॅक्टिस सुरू होत जाते. आपल्या धर्मामध्ये पण अशाच अनेक गोष्टी सुरू झालेल्या असतात, त्या कुठे धर्मात आहेत असं नाही आहे. कुणीतरी एखादं सुरू करतं आणि मग ते पुढे त्या आचरणात येत राहतं. मग वाटतं अरे धर्माचरण सोडून करतोय का आपण. मला वाटतं देशाच्या एकतेसाठी सगळ्यांनी मनमोठी करा आणि यातून बाहेर पडा. काँग्रेसनं विनाकारण हिजाबचं राजकारण केल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलाय. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अपेक्षित असाच होता, कारण देशातल्या अनेक न्यायालयांनी अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा या संदर्भातला पूर्वीच निर्णय दिलेले होते की हिजाब हा काही मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य अंग नाही आहे आणि त्याच्यामुळे केवळ उत्तर प्रदेशच्या आणि अन्य राज्यातल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे प्रकरण तापवलं गेलं. तातडीने राहुल गांधींनी ट्विट केलं, हिजाब का किताब अशा प्रकारचे निरर्थक वाद निर्माण केले गेले आणि त्यामुळे मला वाटतं की 5 राज्याच्या निवडणुकीमध्ये असा पद्धतीचा जातीयवादी प्रचार करणाऱ्या काँग्रेसला जनतेने चपराप दिलीच. त्याचबरोबर आज कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये घटनापीठाने सुद्धा या संदर्भातली चपराक काँग्रेसला आणि या तथाकथित सेक्युलरिस्ट लोकांना दिलेली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या संदर्भात नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली ते देखील पाहूया. आता कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय वेगळा येतोय असं दिसते आणि इथे सरळ सरळ म्हटलं जाते की युनिव्हर्सिटी आणि कॉलेज यांचा निर्णय असेल तर त्या विद्यार्थीला मान्य करायचं आहे. आता ही बाब कर्नाटक हायकोर्टाच्या जजमेंटमध्ये एक्झामिन केल्या गेलेली आहे का हा माझ्या दृष्टीने असणारा महत्त्वाचा आहे. दुपारच्या बातम्यांमध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची. ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.